नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G85 5G versus Realme Narzo 70X 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G85 में 6.37 इंच जबकि 70X 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G85 में 2.88 इंच जबकि 70X 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G85 में 172 ग्राम जबकि 70X 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G85 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G85 में पॉल कैरेट 3D कर्व डिस्प्ले जबकि 70X 5G में इप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G85 में 6.67 इंचेस जबकि 70X 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G85 में 90.8% जबकि 70X 5G में 86.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G85 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 70X 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G85 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 70X 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में आई सेंसर देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G85 में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 70X 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G85 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 70X 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G85 में Adreno 619 जबकि 70X 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G85 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 और 70X 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें RAM की तो G85 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 70X 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G85 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 70X 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G85 में जबकि 70X 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G85 में 3 कलर्स जबकि 70X 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G85 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 70X5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G85 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 70X 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Oppo F25 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2e 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।